नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे सूर्य के मिथुन राशि में गोचर पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर नए लोगों से मिलने के, नए विचारों को जानने का और नई चीज़ों को सीखने के लिए मज़ेदार समय होता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। यह नाम और प्रसिद्ध का मुख्य कारक ग्रह होता है। वायु तत्व की मिथुन राशि में सूर्य का जब गोचर होगा तो ये नए परिवर्तन लेकर आता है। मिथुन राशि में सूर्य के इस गोचर के दौरान वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और इस दौरान अपने स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, क्योंकि वायरल संक्रमण इस दौरान तेजी से फैलता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इस गोचर में कुछ मामलों में संचार प्रभावित हो सकता है। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, अपने लेखन को उत्कृष्टता देने के लिए और छोटी मोटी यात्राओं पर जाने और मीडिया और संचार के लिए माना जाता है। सूर्य का गोचर मिथुन राशि में 15 जून 2021 को सुबह 5:50 पर होगा और यह मिथुन राशि में होगा। यह स्थिति सूर्य की जो है 16 जुलाई 2021 तक शाम 4:30 तक रहने वाली है। इसके बाद सूर्य जो है वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि सूर्य का मिथुन राशि में जो गोचर हो रहा है वो 12 राशियों वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखते रहेगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर वन फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाला, आपके पंचम भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर आपके थर्ड हाउस में होगा। यह भाव छोटी दूरी की यात्राओं, छोटे भाई बहनों और संचार का कारक माना जाता है। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर संतान पक्ष को लेकर आपके मन में कुछ संशय पैदा कर सकता है। हालांकि निजी जीवन में आप खुश रहेंगे, लेकिन इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं, सेल्स सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें छोटी दूरी की यात्राएँ करनी पड़ सकती है और उससे इन्हें लाभ की योजनाएँ भी हमें दिखाई दे रही है। बच्चों की शिक्षा को लेकर आपको थोड़ी चिंता रह सकती है। आप अपने रचनात्मक पक्ष को इस दौरान खोज सकते हैं। इस राशि के जो जातक मीडिया, मार्केटिंग, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आपकी प्रशासनिक और नेतृत्व करने की क्षमता में भी इस दौरान सुधार आएगा। जो जातक खेल कूद क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। पिता के साथ आपके संबंधों में भी इस समय निखार आ सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का यह गोचर। वृषभ राशि, आपके चौथे घर का स्वामी ग्रह सूर्य आपके सेकंड हाउस में गोचर करेगा। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति और कुटुंब के बारे में जानकारी देता है। इस गोचर के दौरान घर के नवीनीकरण में आपका पैसा खर्च हो सकता है। इस समय आप प्रॉपर्टी या अचल संपत्ति में निवेश करना पसंद कर सकते हैं। आर्थिक लाभ होने की हमें पूरी संभावना दिख रही है। सूर्य के गोचर के दौरान आप अपने प्रिय लोगों और घर वालों के साथ में समय बिताना पसंद करेंगे। सूर्य के गोचर के कारण आपकी वाणी में कठोरता देखी जा सकती है और आप अपने फैसले को जबरन दूसरों पर आरोपित कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि ऐसा न करें। इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा है, उन्हें उच्च अधिकारियों से सम्मान और सहयोग प्राप्त हो सकता है। जो लोग कारोबार करते हैं वह किसी समझौते या डील से अच्छा मुनाफा इस समय कमा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर नज़र डाली जाए तो चेहरे और आंखों से संबंधित परेशानियों से आपको बचकर रहना होगा। खुद को वायरल संक्रमण से बचाने के लिए आप स्वच्छता बनाए रखें। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर। सूर्य आपके थर्ड हाउस के स्वामी हैं और वर्तमान में आपकी राशि के, यानी कि आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। प्रथम भाव का आत्मा और आपके व्यक्तित्व का कारक माना जाता है। इस गोचर के दौरान आप बुद्धिमानी से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आप अपने दोस्तों या यात्राओं पर पैसा खर्च कर सकते हैं। जहां तक आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए तो इस समय आप काम की अधिकता देख सकते हैं और आपको कार्यक्षेत्र में जरूरी जिम्मेदारियाँ भी दी जा सकती है। इस राशि के कारोबारियों के लिए भी यह समय गोचर अनुकूल रहेगा। आपके स्वास्थ्य जीवन पर नज़र डाली जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और हालांकि बावजूद इसके भी आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अपने अहंकार को खुद पर हावी न होने दें, नहीं तो उसके कारण आपके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, खासकर रिश्तों में। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का यह गोचर। आपके द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा। कर्क राशि वालों, द्वादश भाव जो होता है वो हानि, मोक्ष, विदेश संबंध आदि का कारक माना जाता है।
इस राशि के जातक को स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतों का सामना इस दौरान हो सकता है। आप सर दर्द, बुखार और आंखों से संबंधित परेशानी से दो चार हो सकते हैं, क्योंकि ये विदेशों से आपके संबंधों का भाव भी कहा जाता है, इसलिए आपको विदेशी संबंधों से इस दौरान लाभ होने की संभावना है। यह हानि का भाव भी है, इसलिए आपको अत्यधिक निवेश करने से इस दौरान बचना चाहिए। यदि निवेश करना जरूरी हो तो बहुत सोच समझ कर करें। इस गोचर के दौरान किसी पर भी अत्यधिक विश्वास करने से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। अपने जीवन साथी के साथ आपको खुलकर बात करने की आवश्यकता है, ताकि किसी तरह की गलतफहमी आप दोनों के बीच में न आए। अपने खान पान की आदतों पर ध्यान रखें और ऐसा कुछ भी नहीं खाएं जिससे आपको स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस राशि के जो जातक 40 पार हो चुके हैं, उन्हें कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी आपको फिर से परेशान कर सकती है, इसलिए इस राशि के जातकों को समय समय पर अपने डॉक्टरी जाँच कराने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर। सूर्य आपके लग्न भाव के स्वामी है और वर्तमान में आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। एकादश भाव होता है लाभ, इच्छाओं और बड़े भाई बहनों का। आपके संबंधों का कारक भी सूर्य माना जाता है। इस राशि के जो जातक मार्केटिंग, सेल्स, लेखन या ह्यूमन रिसर्च के किसी सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें इस दौरान सफलता मिल सकती है। आपको इस दौरान वैसी सफलता मिल सकती है जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रहे थे। इस दौरान इस राशि के कुछ जातकों को बड़ा लाभ हो सकता है। आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और लोग आपकी इस प्रभाविता के कारण आपका कोई बड़ा काम भी निकल सकते हैं। आपकी प्रशासनिक क्षमताएं बढ़ेगी और आप इस दौरान व्यवस्थित भी होंगे। सरकारी क्षेत्र से भी आपको इस दौरान लाभ प्राप्त हो सकता है और इस राशि के कुछ जातक नए रिश्ते इस दौरान बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और परिवार और दोस्तों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। यह गोचर आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होगा, लेकिन अत्यधिक लालची बनने से आपको बचना चाहिए। स्वार्थ जिद्दी को जितना आप दूर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहने वाला होगा। अब बात करते हैं कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का यह गोचर काल। सूर्य आपके द्वादश भाव का स्वामी ग्रह है। सूर्य आपके दसवें घर में गोचर करेगा। यह घर आपके करियर, प्रतिष्ठित आदि का माना जाता है। इस गोचर के दौरान सूर्य दिग्बली अवस्था में होगा, जिससे आपको अपने करियर में जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा। आपको इस दौरान कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि आपको इन अवसरों का सही से आकलन करना होगा और इन अवसरों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप में उसके अनुरूप योग्यता होगी। इस राशि के कारोबारी इस दौरान खूब लाभ कमाएंगे और साथ ही उनको समाज में ख्याति भी प्राप्त होगी। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान रोजगार मिल सकता है। सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना जाता है, इसलिए अपने पिता से आपका पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय आपको वायरल इन्फेक्शन से बचकर रहने की हम सलाह देते हैं। निजी जीवन में कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर सकती है और आप असहज महसूस कर सकते हैं। नकारात्मकता को दूर करने के लिए आपको सुबह और शाम के समय सैर पर जाना चाहिए। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का यह गोचर। तुला राशि वालों, आपके एकादश भाव का स्वामी सूर्य धर्म, पिता, आध्यात्मिक यात्रा और भाग्य के नवम भाव में गोचर करेगा। इस गोचर के दौरान आप अपने पिता या पिता तुल्य लोगों के साथ नोकझोंक कर सकते हैं। यह नोकझोंक अहम के टकराव के कारण होगी। नवम भाव में सूर्य का गोचर आपके भाग्य के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस दौरान आपको भाग्य का बहुत अधिक साथ नहीं मिलेगा और खुद को स्थापित करने के लिए आपको अच्छे अवसर भी प्राप्त नहीं होंगे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की हम सलाह देते हैं। आमदनी धीरे धीरे लेकिन निरंतर गति से आती रहेगी। इस दौरान कोई भी फैसला लेने से पहले सोच विचार अवश्य कर ले। इस दौरान इस राशि के जो जातकों को कोई बड़ी समस्या हमें नहीं दिख रही है। हालांकि सांस लेने में यदि कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप डॉक्टरी जाँच करवाएं। प्रगति और समृद्धि के लिए अपने संचार कौशल को आप बढ़ाएं। आपका कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर। वृश्चिक राशि वालों, आपके 10th हाउस का स्वामी ग्रह सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा और अष्टम भाव को जीवन में आने वाले परिवर्तन और अचानक होने वाले लाभ हानि का कारक ग्रह माना जाता है। इस दौरान वृश्चिक राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और आप कई चिंताओं से परेशान हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके रिश्ते में कुछ बदलाव आ सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि लोगों के साथ और लोगों के बीच रहकर इस दौरान काम करें और गैर जरूरी अटेंशन पाने की कोशिश न करें। जासूसी या इस तरह के कोई भी किसी क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी लोगों को इस दौरान लाभ मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस दौरान आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में विश्वास प्राप्त करने की जरूरत होगी और लोगों के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करनी होगी। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर।
धनु राशि के जातकों के सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होगा और यह भाव विवाह, साझेदारी, रिश्तों और आदि का कारक माना जाता है। का क्रोधी स्वभाव आपके निजी जीवन में इस दौरान एक बड़ी समस्याओं को लेकर आ सकता है। शादी करने के इच्छुक लोगों को कुछ कारणों में देरी का सामना करना पड़ सकता है। विवाहित जोड़ों को अहम के टकराव से बचकर रहने की हम सलाह देते हैं। कारोबारी साझेदारों में किसी वजह से परेशानी आ सकती है, इसलिए आपको अच्छे संबंध बनाए रखने की हम सलाह देते हैं। जो लोग मैनेजमेंट और संचार से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके करियर में वृद्धि होने की संभावना हमें दिख रही है। इस दौरान आपको ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो आपके काम को लोगों को दिखा सके या आपको कोई नया कारोबार दिला सके। अपनी नेटवर्किंग को इस दौरान बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको नई ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर। सूर्य आपके अष्टम भाव का स्वामी है और आपके छठे घर में सूर्य का गोचर होगा। छठा भाव उधार, शत्रुओं और बीमारियों का कारक माना जाता है। यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके अंदर हर स्थिति से लड़ने की क्षमता होगी। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो बहुत जल्दी उससे ठीक हो सकते हैं। यदि आप कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फंसे हैं तो इस दौरान फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस राशि के जिन जातकों ने लोन या कर्जा लिया था उसे चुकता कर सकते हैं। शारीरिक रूप से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। पेशेवर जीवन में इनमें खुद को साबित करने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। असिस्टेंट्स रखने के लिए अच्छा समय है, इससे आप अपने काम को व्यवस्थित रख सकते हैं और आपके कार्य में लचीलापन लाने के लिए भी ऐसा करना अच्छा रहेगा। इससे आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर। आपके सेवंथ हाउस का स्वामी ग्रह सूर्य आपके रोमांस, शिक्षा, संतान आदि के फिफ्थ हाउस में गोचर करेगा। यह गोचर बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते। इस राशि के जो जातक कारोबार करते हैं वह इस दौरान प्रगति करेंगे और अपने प्रतिद्वंदियों बेहतर बनाने के लिए नई युक्तियां लगाएंगे। इस गोचर के दौरान कुंभ राशि के जातकों को सट्टा लगाने से बचना चाहिए। लंबी अवधि में मिलने वाले लाभ के लिए आप निवेश कर सकते हैं। इस दौरान आप सकारात्मक और खुश नजर आएंगे। आप प्रेम में, जीवन में सुखद अनुभव इस दौरान पा सकते हैं। आपकी रचनात्मकता का उजागर करने के लिए यह अच्छा समय है और आप रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा भी ले सकते हैं। वही अपनी किसी पुरानी रुचि को फिर से शुरू कर सकते हैं। इस दौरान इस राशि के जातकों को अपनी संतान का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनको पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ सकती है। आध्यात्मिक विषयों में इस दौरान आप बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप एसिडिटी और पेट दर्द की समस्या से यहाँ पर जूझ सकते हैं। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सूर्य का गोचर। मीन राशि आपके छठे भाव का स्वामी ग्रह सूर्य आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। चतुर्थ भाव आपके सुख, माता, भूमि, मकान, वाहन का होता है। इस दौरान आपको किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता हो सकती है और आपकी भावनाएं भी इस दौरान उफान पर रहेगी। अपनी सुख सुविधाओं से आप इस दौरान दूर हो सकते हैं। हालांकि आपको इसको स्वीकार करने और इसको अधिक और सक्रिय करने की हम कोशिश करने की सलाह देते हैं। आप बहुत महत्वाकांक्षी होकर हर कार्यों को करेंगे, लेकिन सकारात्मक परिणाम आने में कुछ समय लग सकता है। आपको धैर्य रखने की सलाह दी जाती है और इस दौरान आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वह कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान रह सकती है। इस राशि के कुछ जातकों के घर में उनकी माता के पक्ष के लोग आ सकते हैं या वह अपने माता के पक्ष के लोगों के घर जा सकते हैं, यानी कि आप अपने मामा के घर जा सकते हैं। घर में पारिवारिक त्यौहार होने की भी संभावना हमें दिख रही है और इस गोचर के दौरान ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान शराब, सिगरेट जैसी चीज़ों से आप दूर रहें, नहीं तो परेशानी आपको घेर सकती है। तो ये तो था मेरा मिथुन राशि में सूर्य का गोचर कैसा रहेगा उसकी वीडियो। तो आज के नो बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।